सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ में ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज मैं आपको सिलेबस के विषय में बताऊंगा, आपका छठी से आठवीं तक का जितना भी सिलेबस है, FA1, FA2, FA3, FA4, SA1, SA2, वो सारा मैं आपको डिस्कस करूंगा आज। आप स्क्रीन में भी अपना सिलेबस देख सकते हैं और क्लास वाइज भी मैं आपको अलग अलग से बताऊंगा। तो आपके पास कॉपी पेन पेंसिल रखा हुआ होना चाहिए, आप इसको लिख सकते हैं और इसके हिसाब से आप फिर अपनी तैयारी कर सकते हैं। यदि किसी को डाउनलोड करना आता हो तो मैं इसका जो PDF है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप सिलेबस को अपने डाउनलोड कर सकते हैं। तो किसी को वहाँ से आता है ठीक है, नहीं तो आप कॉपी रख करके अपने पास साथ लिख लीजिए। और मैं अभी आपको सबसे पहले छठी कक्षा का सिलेबस बता रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि SA1 और SA2 कितने कितने मार्क्स का है, उसमें ओरल और रिटर्न के कितने कितने मार्क्स रहेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चलते हैं छठी क्लास के सिलेबस की ओर। छठी कक्षा के सिलेबस को चार भागों में बांटा हुआ है। पहला है रेखा एवं रंजन कला तथा वस्तु चित्रण, इसके कुल 14 अध्याय है। 14 में से पहले 7 अध्याय SA1 में आएंगे और लास्ट के 7 अध्याय 8 से 14 तक ये आपके SA2 में आएंगे। SA1 को अगर आपने FA1 और FA2 में डिवाइड करना है तो आपका पहले 3 क्वेश्चन जो है वो आपके FA1 के लिए रहेंगे और लास्ट के जो क्वेश्चन आपके वो आप जो आपके अध्याय होंगे वो FA2 के लिए रहेंगे। उसी हिसाब से आपके अभ्यास के 15 प्रश्न हैं, वो भी आपने 8 में डिवाइड कर देना है। पहले 8 आपके जो है वो SA1 के लिए रहेंगे, जिसमें से पहले 4 जो आपके होंगे वो FA1 के लिए रहेंगे। इसी तरह से अगला है अप्लाइड डिज़ाइनिंग के 7 कुल अध्याय है, उसमें से आपके पहले 4 SA1 के लिए रहेंगे और 2 अध्याय जो आपने हैं वो FA1 के लिए याद करने हैं, पढ़ने हैं। अभ्यास के प्रश्न कुल 10 है, उसमें से आपके पहले 5 SA1 के लिए रहेंगे, उसमें से आपने पहले 2 जो अध्याय है वो FA1 की आपने तैयारी करनी है। अगला है कोलाज, प्रश्न आपका तीसरा है कोलाज के आपने कम से कम 4-5 बनाने हैं, नीचे दिया हुआ 5 आपके जो है पेंटिंग के कोलाज की बन जानी चाहिए। कल मैं कोलाज पे आपको बताऊंगा कि कोलाज कैसे बनाया जाता है। और लास्ट में आपका ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के आपके 46 प्रश्न हैं, जिसमें से कि पहले 23 आपके SA1 के लिए होंगे, उसमें से पहले 11 जो आपके हैं वो FA1 के लिए रहेंगे। और FA1 का मैंने आपको सिलेबस ज्योमेट्रिकल का करवा दिया है, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगला आपका है 7th क्लास का ड्राइंग का सिलेबस, ये भी आपका इस तरह से 4 अध्यायों में बांटा हुआ है, 4 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो आपका SA1 के लिए रहेगा वो SA1 में आपके लिए वही रेखा रंजन चित्रकला वाला जो है अध्याय है, रेखा एवं रंजन कला तथा वस्तु चित्रण का रहेगा। इसके कुल आपके जो SA1 के लिए है वो 8 अध्याय रहेंगे और उसमें से आपने 4 FA1 और लास्ट के 4 FA2 के लिए पढ़ने हैं। पार्ट नंबर 2 आपका है अप्लाइड डिज़ाइनिंग, अप्लाइड डिज़ाइनिंग के कुल 3 आपके SA1 के लिए रहेंगे, ये SA1 का सिलेबस आप देख रहे हैं, और उसमें से आपने कोई 3 डिज़ाइन जो है वो अप्लाइड डिज़ाइनिंग के बनाने हैं। इसी तरह आपका कोलाज है, पार्ट नंबर 3 है, कोलाज भी आपने इसी तरह से करना है। मैं कोलाज पे वीडियो कल आपको डाल दूंगा, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। उसके हिसाब से आपने कम से कम 5 पेंटिंग की कोलाज की बनानी है। चौथा आपका है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपके लिए जो SA1 के लिए है वो 21 प्रश्न है, 21 में से आपने पहले 10 जो है वो कर लिए हैं ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के, और वो FA1 के लिए रहेंगे, लास्ट के जो है आपके FA2 के लिए रहेंगे। अगला जो सिलेबस आपका चल रहा है वो SA2 का चल रहा है, वो आप देख सकते हैं, बताने की भी ज़रूरत नहीं, अब आप समझ भी गए होंगे कि किस तरह से आपने इसको आधा आधा करना है। जैसे पहला है आप इसको देख सकते हैं, इसके 11 अध्याय 10-11 अध्याय है आपके, और इसी तरह से आपने आगे इसके अपने सिलेबस को हाफ हाफ करके डिवाइड करना है, ये आपको अब समझ आ चुका होगा। अगला आपका है 8th क्लास का सिलेबस, ये भी आप देख रहे होंगे, ये आपको SA1 और FA2 का दोनों का आपको साथ साथ दिख रहा होगा। ये भी इसी तरह से 4 भागों में बांटा हुआ है। SA1 में आपका पहला रेखा एवं रंजन कला तथा वस्तु चित्रण में 10 अध्याय है, 10 में से आपने पहले 5 जो अध्याय है वो आपने FA1 के लिए पढ़ने हैं, लास्ट के 5 आपके FA2 के लिए रहेंगे। अगला पार्ट है आपका दूसरा है अप्लाइड डिज़ाइनिंग, अप्लाइड डिज़ाइनिंग के
अध्याय 1-3 तथा संबंधित अभ्यास 1-7 आपने S7 के लिए पढ़ने हैं। तो इसी का ही आपने हाफ करना है। जैसे अध्याय 1-3 है तो आपने 2 अध्याय FA1 के लिए पढ़ने हैं, और जो अभ्यास आपका 1-7 है इसमें से पहले 3 जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो आपने FA1 के लिए पढ़ने हैं, लास्ट के आपने FA2 में पढ़ने हैं। और अगला आपका कोलास है, कोलास के कुल जो है वो अध्याय एवं अभ्यास के 7 प्रश्न हैं। तो प्रश्न तो आपने पहले 3 करने हैं, और कोलास पे पेंटिंग के लिए मैं आपको बता चुका हूँ ये आपने 5 पेंटिंग के बनानी है। ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आपके बहुभुज और वृत्त के प्रश्न हैं, वो 22 प्रश्न आपके SA1 के लिए रहेंगे, जिसमें से कि पहले 11 मैं आपको करवा चुका हूँ वो आपका FA1 का रहेगा, लास्ट के 11 जो आपके वो FA2 के लिए रहेंगे। और इसी तरह से आपने SA2 का जो सिलेबस है वो भी आपने हाफ हाफ डिवाइड करना FA3 और FA4 में। ये जो सारा सिलेबस मैंने आपको बताया है ये गवर्नमेंट के दिशा निर्देश अनुसार ही मैंने आपको बताया है, गवर्नमेंट से हमें जो दिशा निर्देश मिले हैं उसी के आधार पे ही मैंने ये सिलेबस आपको डिवाइड करके अलग अलग बताया है। अब हम देखेंगे अंक विभाजन कि FA1 में ऑरल में 5 मार्क्स है और रिटर्न में 20 है, और टोटल FA1 जो है 25 नंबर का, इसी तरह से FA2 भी 25 नंबर का है, और SA1 का जो ऑरल है वो 15 नंबर का होगा, और SA1 का जो रिटर्न होगा वो 35 मार्क्स का होगा। टोटल SA1 50 मार्क्स का होगा, FA1 FA2 और SA1 इसका ग्रांड टोटल 100 मार्क्स का होगा। तो आपका 100 मार्क्स का जो है वो SA1 टोटल जो होगा ये होना है, और ये 6th और 7th के लिए निर्देश है, 8th के निर्देश अलग हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इसी तरह से आपका FA3 भी ऑरल 5 नंबर, रिटर्न 20 नंबर, टोटल 25 नंबर, और FA4 भी ऐसे ही रहेगा, और SA2 जो है वो भी 15 और 35 के हिसाब से 50 का रहेगा, और टोटल जो है SA2 है वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और SA1 और SA2 जो है वो 100 प्लस 100 ये 200 का आपका पूरा पेपर जो है वो सॉल्वर का रहेगा। आपके 8 पेपर होते हैं तो आप लगा लिए, आपके 16 में से जो है टोटल मार्क्स आपके बनने, 1600 में से आपके टोटल मार्क्स बनने हैं। और ये जो दिशा निर्देश है ये 6th और 7th क्लास के लिए है, 8th क्लास के लिए निर्देश चेंज हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग स्टडी।